Indian women's football team is all set to lock horns with Uzbekistan women's football team. Hello guys, मैं हूँ आपका host Rishabh, aka Football Geek. तो Indian women's football team और Uzbekistan women's football team के बीच में मैच होने वाला है. Friendly मैच है, मंडे को शाम को ये मैच होगा. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब ये मैच होने वाला है, कहां पर आप ये मैच देख सकते हैं, क्या टीम है इंडियन फुटबॉल टीम की, कौन कैप्टन करने वाला है, पास्ट परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की अगेंस्ट दूसरी टीम और एक दूसरे के अगेंस्ट भी. तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फुटबॉल गीक के, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, सब्सक्राइब अभी कीजिए क्योंकि ऐसे और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे. तो हम शुरुआत करते हैं इंडिया से. तो इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम अभी कुछ दिन पहले ही फरवरी में फ्रेंडलीज खेले टर्की में. टर्की में उन्होंने 3 फ्रेंडलीज खेले, रशिया के अगेंस्ट, यूक्रेन के अगेंस्ट और सर्बिया के अगेंस्ट. रशिया के अगेंस्ट उन्होंने 0-8 से हारे, सर्बिया के अगेंस्ट 0-2 से हारे और यूक्रेन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर थी और 2-3 से वहां पर इंडियन विमेंस टीम हारी. तो ये मत देखिए कि इंडियन विमेंस टीम ये मैच हारी है, ये देखिए कि ये जो मैचेस हैं वो टीम बिल्ड करने के लिए खेले जा रहे हैं क्योंकि 2022 में इंडिया एशियन कप होस्ट करने वाला है विमेंस फुटबॉल टीम का. तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन फुटबॉल के पास अपना मार्क बनाने की और उसके लिए हमको बहुत अच्छी सॉलिड टीम वहां पर उतारना जरूरी है. तो ये जो सारे फ्रेंडलीज खेले जा रहे हैं ये उसी की प्रिपरेशन के लिए खेले जा रहे हैं. तो उज़्बेकिस्तान के खिलाफ जो मैच है वो कल शाम को खेला जाएगा 4 बजे और आप ये मैच देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर उज़्बेकिस्तान FA के, और मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी जा सकते हैं ये मैच देखने यूट्यूब चैनल पर. तो बात करते हैं दोनों टीम्स की. दोनों टीम्स ने लास्ट एक दूसरे के अगेंस्ट जब मैच खेला था वो 2019 में था. पहले मैच में उज़्बेकिस्तान ने 5-1 से हराया था इंडियन विमेंस को और सेकंड मैच ड्रॉ हुआ था 1-1 से. उस टाइम से अभी तक टीम्स बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत सारे यंग प्लेयर्स आ गए हैं इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम में. तो अब ये टीम बिल्ड करना सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब बात करते हैं उज़्बेकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम की. उन्होंने भी रिसेंटली कुछ फ्रेंडलीज खेले थे फरवरी में. एक मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा था, दे लॉस्ट अगेंस्ट नाइजीरियन विमेंस टीम 1-0. अपार्ट फ्रॉम दैट इन द अदर 2 गेम्स उन्होंने इक्वेटोरियल गिनिया को 5-0 से हराया था और CSK मॉस्को को 1-0 से हराया था. बात करते हैं इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम की. तो 23 मेंबर्स का स्क्वाड तैयार किया गया है इन फ्रेंडलीज के लिए. 2 फ्रेंडलीज खेले जाएंगे उज़्बेकिस्तान में. एक खेला जाएगा 5 अप्रैल को उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट और एक खेला जाएगा 8 को बेलारूस के अगेंस्ट. जो पिछले फ्रेंडलीज थे उससे मैं ज्यादा खुश था क्योंकि वो ज्यादा बेटर टीम्स के अगेंस्ट थे. जैसे रशिया 23rd रैंक्ड है विमेंस इंटरनेशनल रैंकिंग में फुटबॉल में, और यूक्रेन भी 24th रैंक्ड है. तो वो मैचेस थोड़े अच्छे साइड्स के अगेंस्ट है तो आपको और ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है. मगर ये वाले जो मैचेस हैं ये अच्छे हैं बट उतनी अच्छी अपोनेंट्स नहीं है. उज़्बेकिस्तान की रैंक है 41 और इंडिया की रैंक है 53, और बेलारूस की बात करें तो उनकी रैंक तो इंडिया से भी खराब है 56. तो 23 मेंबर्स का ये जो स्क्वाड है इनमें से प्लेयर्स खेलेंगे और इनमें से सिलेक्ट होंगे 11 प्लेयर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट. और इंदुमती कथी सेरन लीड करेंगी इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम को ये 2 फ्रेंडलीज में. पिछले जो 3 फ्रेंडलीज हुए थे टर्की में उसमें संगीता बसफोर ने लीड करा था इंडियन फुटबॉल टीम को. और जब मेमोल रॉकी से पूछा गया इंटरव्यू में कि ऐसे ये चेंजेस क्यों कैप्टनसी के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये टीम बहुत यंग है और इस टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई लीडर बने और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस टीम में, क्योंकि ये टीम 2022 के लिए प्रिपेयर हो रही है और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना कि इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम के लिए बल्कि इंडियन फुटबॉल के लिए भी. तो ये था प्रीव्यू इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम वर्सेस उज़्बेकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम. मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा बेलारूस के अगेंस्ट के लिए भी, इंडियन विमेंस वर्सेस बेलारूस विमेंस के लिए. तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, कुछ दिनों बाद वो भी आ जाएगा. और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लेटफॉर्म को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आपको इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे. तो आज के लिए इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है. मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ.
तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।